हम लेकर घर से निकल गए थे। ऐसा इनके पॉइंट से ज़्यादा ब्लड भी नहीं होगा, इनको कम से कम मिनिमम 3 मोटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी अर्जेंट में, कम से कम 2 अभी व्यवस्था करिए, बाकी आप एक करते रहिए। यहाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, अगर ब्लड या ऑक्सीजन की जरूरत होगी ठीक है आप लेके आइए, हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन ब्लड अभी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं बात और सुना आपने, योगी की सरकार में एक एक पल को इलाज को तरस रहे हैं लोग। मेडिकल कॉलेज का हम महिला विभाग का ये कारनामा बीती रात का दिखा रहे हैं। महिला तड़पती रही, रोती रही और ब्लीडिंग होती रही, लेकिन खुले आसमान के नीचे पड़ी रही। ये कोई और नहीं है, ये बिंदेश्वरी है, जिसके पति का नाम बिंदरपाल है, ग्राम सैंजना पसगमा की रहने वाली है, जिसका मोबाइल नंबर है 6307392068091। जब पहुंचे देखा तो भीड़ लगी हुई थी, पता ये चला इसके पति ने बताया कि इसके ब्लीडिंग आ रही है। महिला विभाग में ले गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ड्रामा सेंटर में भेज दिया। वहां ये किया गया महिला विभाग का काम है, फिर महिला विभाग में ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने भर्ती नहीं करा, कहने लगे खून नहीं है, खून चढ़ेगा, ले जाओ। बेचारा बिंदरपाल अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज में खुले आसमान के नीचे ये देखिए पड़ी हुई है। हालांकि काफी लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई, मेडिकल कॉलेज के महिला विभाग का कारनामा हम आपको दिखा रहे हैं ये, और ये महिला विभाग के स्टाफ का कारनामा है। अभी तक तो आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, स्टाफ डॉक्टर सुनीता पर आरोप लगाते रहे, लेकिन हकीकत जो सुनीता कहती थी कि स्टाफ सही नहीं है, स्टाफ बच्चों को मार देता है, वो हमारे पास प्रूफ है, लेकिन नजारा रात सामने आ गया। स्टाफ की कथनी और करनी है आपके सामने। मेडिकल कॉलेज के महिला विभाग का कारनामा हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं आया तरस स्टाफ को और आखिरकार खुले आसमान के नीचे पड़ी रही महिला, ब्लीडिंग होती रही, आखिर में उसके ऊपर कंबल डाला गया। लेकिन बिंदरपाल जो आप देख रहे हैं, प्रसूति विभाग से अंदर और अंदर से बाहर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, खुले आसमान के नीचे महिला पड़ी रही और महिला की ब्लीडिंग होती रही, लेकिन स्टाफ ने भगा दिया उसको, कहा ले जाओ। हम आपको विस्तार से पहले सुनवाते हैं महिला के पति की जुबानी के उससे क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। बताओ क्या बात है, यहाँ क्यों पड़े हुए हो अपनी पत्नी को लेके? परे है, मजबूरी में बिता है पत्नी हमारे कमल परे ही। क्या हुआ, क्यों निकाल दिया अस्पताल से? अब आई तो हमें कमल कहने का हम पर फोन मांगते है, कहते देव हमने के हमारे पास अभी नहीं चलता है, हम भाई रात में क्या करें, तो कोई भाई कोई बात नहीं, तो हमें भाई ले जा रहे, क्या करें भाई जब नहीं। तुम खुद लेके आए या उन्होंने निकाल दिया? उनने कहा अपने घर पर लेके जाओ, नहीं तो हम अंत के लिए कर रहे हैं काम, हमने कहा अंत हम भैया ले जाइए, हम अपने घर ले जाएंगे। ब्लीडिंग अभी हो रही है, खून अभी आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। तो तुमने महिला वार्ड में जब तुम ले गए थे तो उन्होंने तुम्हें किधर भेजा? उन्होंने इधर भेजा ट्रामा सेंटर में। फिर इनने कहा उधर ले जाओ। लेके कब आए थे यहाँ? आज आए। कई बजे आए थे? 6 बजे आए, 6:30 बजे। कहाँ ले गए थे? सीधे सीधे हम ले गए थे। यहाँ से सीधे महिला में ले गए थे या ट्रामा सेंटर ले गए थे? अब ले तो हम महिला में गए। फिर ये तो महिला का काम भी है ना? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने पता नहीं काम नहीं पढ़ाई दो भाई, कुछ कह दी नहीं काम आगे ले जाओ, वहाँ ले गए उन्होंने कहा भैया ना बस हमारे खून दो, हमने खून कहाँ से हम रहे भाई अब। और जब बिंदरपाल को महिला विभाग में ले गए, ले जाके बात करी, तो वहां के स्टाफ का क्या कहना था, किस अंदाज में बात करी और बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, क्या कहा जरा एक दफा सुनिए कि महिला विभाग में स्टाफ की करतूत, सुनते। हम लेकर घर से निकल गए थे। ऐसा है, स्टेशन का मरीज रोड वालों गेट के पास खड़ा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, किसी को भेज दो, किसी को भेजने के लिए किसी जो फोर्थ क्लास का लड़का उठा के लाए, पड़ी जमीन में, अब भीड़ लगी पड़ी है। फिर ये होता है कि यार ये हो गया वो हो गया। सुनिए, इनका मरीज़ बहुत सीरियस है। मुझे लगता है 1 पॉइंट से ज़्यादा ब्लड भी नहीं होगा, इनको कम से कम मिनिमम 3 मोटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी अर्जेंट में, कम से कम मिनिमम 3 मोटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी अर्जेंट में।
कम से कम दो अभी व्यवस्था करिए, बाकी आप एक करते रहिए। यहाँ कम से कम दो अभी व्यवस्था करिए, बाकी आप एक करते रहिए। यहाँ कम से कम दो अभी व्यवस्था करिए, बाकी आप एक करते रहिए। यहाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, अगर ब्लड या ऑक्सीजन की जरूरत होगी ठीक है आप लेके आइए, हम एडमिट कर लें, लेकिन ब्लड अभी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं ब्लड व्यवस्था करवा तो मरीज सीरियस है, कभी भी कुछ हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं ब्लड व्यवस्था करवा तो मरीज सीरियस है, कभी भी कुछ हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं ब्लड व्यवस्था करवा तो मरीज सीरियस है, कभी भी कुछ हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी लेके हम एडमिट कर ले रहे हैं, लेके आइए। मरीज बहुत सीरियस है, देख रहे हैं उसका कंडीशन क्या है जी, वो मैंने देखा ब्लड है ही नहीं, उसको इतना ब्लीडिंग हुई है, सारी फ्लिटियाँ एडमिट कर ले रहे हैं, लेके आइए। मरीज बहुत सीरियस है, देख रहे हैं उसका कंडीशन क्या है जी, वो मैंने देखा ब्लड है ही नहीं, उसको इतना ब्लीडिंग हुई है। कोई ये बेचारा ये ब्लड ब्लड कहाँ से लेके आया, ठीक है तो कहीं कोई ये बेचारा ये ब्लड ब्लड कहाँ से लेके आया, ठीक है तो कहीं कोई ये बेचारा ये ब्लड ब्लड कहाँ से लेके आया, ठीक है तो कहीं से नहीं है। मैं ये तरीका इनको बता रहा हूँ, एक मिनट इनका फ्री हो जाएगा मॉर्निंग में। तो सुना आपने, सीएम योगी की सरकार में ये चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। अगर उसके पास ब्लड होता या उसके पास पैसे होते तो मेडिकल कॉलेज में काहे के लिए आता, बाहर प्राइवेट इलाज करा लेता। लेकिन हमने जब बात करी, हमने कहा तो हमसे भी यही कहा गया कि इनका ब्लड बिल्कुल नहीं है। जो भी कहानी थी वो आपने पीछे सुनी, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार के साथ साथ ऐसे स्टाफ को जिसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं। और बिंदर पाल तड़पता रहा, लेकिन उसकी पत्नी बिंदेश्वरी पर किसी को दया नहीं आई। ये है मेडिकल कॉलेज के महिला विभाग का कारनामा, बस से बदतर हाल। सच को आज क्या, बिल्कुल विस्तार से हमने दिखाया आपको, लेकिन आखिर में यही हुआ। जब सुबह हम गए और जाके हमने देखा तो बिंदरपाल अपनी पत्नी को बिना इलाज के ले गया, लेकिन इनको कतई दया नाम की कोई चीज नहीं। मेडिकल कॉलेज में महिला प्रसूति विभाग के स्टाफ का कारनामा दिखाया हमने आपको, अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए।